आपका हमारे चैनल बनी स्पोर्ट 11 में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगाल और फ्रेंड्स यहाँ पे पख्तून के बीच में जो अगला मैच खेला जाएगा 13वां मुकाबला रहेगा ये T10 लीग का। तो फ्रेंड्स यहाँ से दोनों टीमों का सारे मैचेस का परफॉर्मेंस लेके आए हैं हम आपके लिए, क्या परफॉर्मेंस दिया और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं हर मैचेस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और क्या रहा था सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पर जो भी वीडियोस आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन में। चले फ्रेंड्स देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का। तो फ्रेंड्स इधर पे आप देख सकते हैं पख्तून और बंगाल टाइगर्स का ये स्क्वाड दिया है, इधर आप देख लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा पख्तून का। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं आप चैडविक वाल्टन को एक मैच में खिलाया गया था, 12 रन बनाए थे इन्होंने, फिर इनको रिप्लेस करके यहाँ पे सफ़ी को खिलाया गया था और इनका मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा दो मैचेस में। तो देखिए कैमरन डेलफोर लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे, इसके पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। और फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं आप एंड्रयू फ्लेचर का जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सफ़ीक ने बहुत अच्छा पारी खेला है दो मैचेस में, कॉलिंग राम इतनी अच्छे टच में नज़र नहीं आ रहे हैं आप देख सकते हैं इधर पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कलीम ये थोड़े से खेलेंगे नहीं खेलेंगे कंफर्म नहीं है इनका। इसके बाद देखिए लियाम डॉन को फ्रेंड्स लास्ट मैच में बैटिंग तो आई थी पर इनसे बॉलिंग नहीं कराएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये प्लेयर आपके लिए स्मॉलिंग में थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर किसी और प्लेयर की, तो देखिए इसके बाद हैं शाहिद अफरीदी जो कि कैप्टन है, शाहिद अफरीदी ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे और अभी बॉलें भी ठीक ठाक करा रहे हैं तो एक एक विकेट लेके जा रहे हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं किसी और प्लेयर की, देखिए डेविड विली को एक मैच में खिलाया था, इसके बाद इनको ड्रॉप करके फिर यहाँ पे लास्ट मैच में खिलाया गया तो 6 रन बनाया और एक विकेट भी लिया। तो फ्रेंड्स ये भी प्लेयर ऐसे जा रहा है विकेट लेता है नहीं, और मतलब एक मैच में खिलाते हैं दूसरे मैच में इनको बाहर कर देते, तो आपने ग्रैंड लीग में ट्राई करने लायक प्लेयर है। सुहेल खान आपको लिए एकदम सेफ प्लेयर है, ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, स्मॉल लीग में आप जरूर इनको पिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सैफुद्दीन अशरफ को दो मैच में कंटिन्यू खिलाया गया और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, बॉलिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, एक विकेट भी निकाला है। इसके बाद देखिए मोहम्मद इरफान है, तो ये प्लेयर आपके लिए सेव रहने वाले हैं और लास्ट मैच में दो विकेट भी लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स यहां से देखिए आरपी सिंह और इनको फ्रेंड्स बाहर किया गया था और सिपुर जेदरान, तो फ्रेंड्स इतने प्लेयर यहाँ से आपको खेलते हुए नहीं दिखने वाले और आप बिल्कुल इनमें से अपने प्लेयर पिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टॉप ऑर्डर के प्लेयर लीजिएगा और फ्रेंड्स आपको पता ही है 10 ओवर का मैच होगा तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं यहाँ बंगाल टाइगर की, तो बंगाल के फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप जेसन रॉय का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है लास्ट मैच में, हालांकि 15 रन बनाए थे। सुनील नारायण को आपको जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे बताया था सेकंड मैच में नहीं खेले थे और शोल्डर इंजरी थी थोड़ी सी, इसके बाद यहाँ पे थर्ड मैच में खेले हालांकि 0 पे आउट हो गए लेकिन दो विकेट निकाला इन्होंने, उसके पहले पहले मैच में भी दो विकेट निकाले थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आपको और फ्रेंड्स यहाँ से ल्यूक राइट आएंगे वन डाउन, तो आप देख सकते हैं लास्ट मैच में उन्होंने 23 रन का पारी खेला है। इसके बाद देखिए रदरफोर्ड है अच्छी टच में नजर आ रहा है लास्ट मैच में, हालांकि 1 ही रन बनाया इन्होंने। यहाँ पे देखिए शेम बिलिंग है विकेट कीपर में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मोहम्मद नबी का ऑप्शन है जो कि देखिए 6 नंबर वेटिंग करने के लिए आते हैं और एक आध दो ओवर भी अपने कोटे के कराते हैं, एक ओवर समथिंग फेंक लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसके बाद देखिए आपके पास इसके बाद ऑप्शन में है जो फ्रेंड्स यहाँ पे एमिन का ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये प्लेयर आपको यंग प्लेयर है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मैच में इन्होंने 4 विकेट निकाल दिए थे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए चिराग सूरी आपको खेलते हुए मिल जाएंगे, फिर इसके बाद है मुजीबुर रहमान है जो कि लास्ट मैच में 2 विकेट निकाल के आए हैं, और देखिए मॉर्नी वॉलकर भी मेरे हिसाब से एकदम सेफ प्लेयर हैं, हालांकि इनको विकेट नहीं मिला लेकिन बॉलें अच्छी कराई इन्होंने। इसके बाद देखिए अली खान को फिर से खिलाया गया था जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो यहाँ पे देखिए जहीर खान को एक मैच खिलाया गया, पहले मैच में खिलाया गया अली खान को, सेकंड मैच में खिलाया गया जहीर खान को, फिर फ्रेंड्स यहाँ से अली खान को वापस लाया गया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं कौन प्लेयर आपके लिए कितना सेफ है, तो ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, बाकी फ्रेंड्स स्मॉल लीग में तो आप दूर ही रहिएगा, पता नहीं फ्रेंड्स क्या पता इस मैच में फर्स्ट को ड्रॉप कर दिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से, तो फ्रेंड्स अगर आपने से भी खेलना है एकदम कोई से भी चेंजेस हो तो आप एकदम अपने प्लेयर पिक कर सकें, आपको कोई प्लेयर में से ना हो तो आप देखिए लीग एक्स का फ्रेंड्स ये रेफर कोड दिया है, बहुत बढ़िया साइट है और यहाँ 200 रुपये से लेके आपको 25 रुपये का कैश बोनस तुरंत मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर 200 रुपये तक कैश बोनस मिलता है। टॉस होने के बाद में फ्रेंड्स आप यहाँ पर लास्ट पर आप आकर अपनी टीम को एडिट कर पाते हैं, आपको कोई प्लेयर यहाँ से मिस नहीं होगा आपके, इसलिए यहाँ से विन करने के चांस हमेशा रहते हैं, तो आप यहाँ साइनअप जरूर कर लेना। ये हाला प्ले का रेफर कोड है फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों टीमों का प्लेइंग 11 पता चल
चल जाता टॉस होने के बाद में, और साथ में मिलेगा आपको 100 रुपये कैश बोनस जो कि आप 100% यूज कर पाएंगे। दोनों साइडों पे आप लास्ट तक अपनी टीम को एडिट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको साइन अप करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, साथ में आपको मिल जाएगा दोनों का रेफरल कोड, तो आप जरूर यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए विकेट कीपिंग में बात करते हैं तो वाल्टन को मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए और यहाँ से रिकी वेल्सिस को अब तक नहीं मौका दिया। मतलब सेम बिलिंग आपके लिए है फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी गोलर सभी आप सेम बिलिंग फ्रेंड्स से बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी नीचे आते हैं और सभी गोलर सभी आपको वन डाउन खेलते हुए नजर आएंगे, तो आप इनको अपनी टीम में बिल्कुल पिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं बॉलिंग की, तो देखिए बैटिंग में तो फ्रेंड्स यहाँ पर जेसन रॉय है आपके लिए कॉलिन ग्राम एकदम सेफ ऑप्शन है फ्रेंड्स, ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है, आप जरूर ट्राई करिएगा। इसके बाद देखिए फ्लेचर हैं, कैमरन डेलफोर्ड हैं, हालांकि लास्ट मैच में आउट हो गए थे जल्दी 0 पे, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड, तो ये प्लेयर आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। ल्यूक राइट है फ्रेंड्स, ये ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आपके लिए, तो आप इनको बिल्कुल पिक कर सकते हैं। देखिए बाकी किसी प्लेयर का यहाँ पे सेव नहीं है खेलने का चिराग सूरी के अलावा, और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये प्लेयर थोड़े से रिस्की रहने वाले, तो आप बिल्कुल भी इनको पिक मत करिएगा। यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए नारायण आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और फ्रेंड्स ओपनिंग भी आएंगे और अपने 2 ओवर भी कराएंगे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद देखिए कैप्टन है साइना फरीदी और एक आध विकेट झटक रहे हैं हर मैचेस में। इसके बाद यामिन का ऑप्शन अच्छा है, ग्रैंड लीग में आप फ्रेंड्स छह टीमों के साथ जाते हैं, तो आप गुलबदीन नाब को एक मैच में जरूर ट्राई करिएगा, आप पख्तून की तरफ से अब तक इनको बिल्कुल मौका नहीं मिला है। और फ्रेंड्स देखिए बाकी किसी प्लेयर की बात करते हो तो खेलते आपको सारे प्लेयर नजर आने वाले हैं, जो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मोहम्मद नबी आपके लिए थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं, बाकी आपने ट्राई करना तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं मोहम्मद नबी को, हालांकि एक आधो ओवर फेंकेंगे लेकिन फ्रेंड्स बैटिंग में आपको पता ही है यदि 6 नंबर पर आकर अच्छा परफॉर्मेंस दे जाते तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। तो फ्रेंड्स टॉप ऑर्डर के आपके लिए अच्छा प्लेयर रहने वाले हैं, आपने शायद अफरीदी को नहीं लेना तो आप यहाँ पर नबी को भी पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं देखिए बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन में रहने वाले हैं डेविड विली है, क्या पता खेलेंगे नहीं खेलेंगे थोड़े से रिस्की हैं, मोहम्मद इरफान आपको खेलते हुए मिलने वाले हैं, इसके बाद मुजीब हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आरपी सिंह नहीं खेलेंगे, सुहेल खान एकदम सेव ऑप्शन है। इसके बाद देखिए मोरकल आपके लिए सेव ऑप्शन है, मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, जहीर खान फ्रेंड्स यहाँ पर इनको बाहर किया गया था, सफूर जैदरान यहाँ पर नहीं खेलेंगे, सैफुद्दीन असराफ आपको खेलते हुए मिल जाएंगे, तो आप इनमें से अपने प्लेयर पिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी टीम चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर अली खान को फिर से खिलाया जा सकता है, या तो फ्रेंड्स यदि अली खान को बाहर किया गया तो फिर देखिए यहाँ से जहीर खान को पता नहीं टीम फिर से अंदर ला दे, तो फ्रेंड्स ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है हर मैचेस में, तो ग्रैंड लीग में आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ से आपके लिए ये 2 प्लेयर एकदम सेफ चॉइस रहने वाली हैं, और फ्रेंड्स आपने यदि किसी और प्लेयर को लेना है तो यहाँ पर देखिए आप ले सकते हैं सैफुद्दीन अशरफ को, बाकी फ्रेंड्स आपने लेना अली खान को लेना है और फ्रेंड्स आपने लेना है यहाँ पर सुहेल को, तो बिल्कुल आप पिक कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। आपने बस यहाँ पर आके शाहिद अफरीदी को ड्रॉप करके और फ्रेंड्स यहाँ से आपने लेना होगा सुहेल खान को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप सैफुद्दीन अशरफ को यदि नहीं पिक करना चाहते तो आप इनको भी छोड़ सकते हैं, आपके पास काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। इधर पे देखिए मोरकल को आप पिक कर सकते हैं, और आपने यदि रिक्स लेना तो जहीर खान को लेना, बाकी आपने यहाँ पे एक ही ऑप्शन मेरे हिसाब से सेव है सैफुद्दीन अशरफ का, तो आप इन्हीं को अपनी टीम में ले सकते हैं। आपने लेना बैट्समैन में तो फ्रेंड्स बैट्समैन में भी आप आगे देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर और कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, चिराग सूरी को आप चाहें तो ले सकते हैं, ल्यूक राइट को आपने ट्राई करना तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी ये भी टीम रह सकती है, आपने ट्राई करना इस टीम को तो बिल्कुल आप इस टीम के साथ भी खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो देखिए आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन में फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे फ्लेचर का जो कि फ्रेंड्स अच्छा फॉर्म चल रहा है, आप देख रहे हैं सारे मैचेस में अच्छा क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद देखिए नारायण का बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, ओपनिंग आएंगे जेसन रॉय जो कि फ्रेंड्स बहुत बड़े प्लेयर हैं, वन डाउन आएंगे सफीक, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं जिस प्रकार उन्होंने दोनों मैचेस में बैटिंग उन्होंने की है। आपको चाहिए तो फ्रेंड्स देखिए कैमरन डेलफोर्ड है, हालांकि जरूरी नहीं हर बार आउट हो जाए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, यदि रदरफोर्ड को मौका मिलता है तो भी बहुत अच्छे प्लेयर, डिफरेंस में करना हो थोड़ा सा तो इनके साथ जाइएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन आपके लिए एकदम सेफ और अच्छी चॉइस रहने वाले हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप ट्राई करना तो आप सफीक को ट्राई कर सकते हैं। तो स्मॉल लीग में तो यही ऑप्शन आपके पास, बाकी ग्रैंड लीग में देखिए जो चेंजेस हर मैचेस में होते जा रहा है, जैसे अली खान को लेकर जहीर खान को लेकर मैंने आपको बताया, तो फ्रेंड्स आप चेंज वहां पे कर सकते हैं, ट्राई कर लेना वो आपके लिए अच्छा रह सकता है। इसके बाद देखिए आपके पास यामिन का अच्छा ऑप्शन है, और फ्रेंड्स यहां पे आप मोहम्मद नबी को ले सकते हैं, गुलबदीन नायब को ले सकते हैं, यहां पे आपके पास ऑप्शन में शाहिद अफरीदी है, तो काफ़ी ऑप्शन खुल जाते हैं, और ल्यूक राइट है, और फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलिन इंग्राम काफ़ी ऑप्शन है ग्रैंड लीग में, तो 4-5 टीम लगाते तो उनको ट्राई कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए बेहतर रह सकता है। उससे पहले आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जाकर लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी अभी आगे मैचेस आएंगे मैं फ्रेंड्स इसी प्रकार सारे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपके पास पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।